गुड मॉर्निंग बच्चों, अपन कर रहे थे अपना सेवन चैप्टर, ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये वाला चैप्टर था, ठीक है। और इसमें अपन जो है आधुनिक आवासन हमने पूरी कर ली थी, और फिर अपन पढ़ रहे थे कुछ गुण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था सबसे नाभिक के आवेश पढ़ा था, प्रभावी नाभिक के आवेश। फिर अपन ने पढ़ा था कि विद्युत ऋणता क्या होती है, फिर आयनिक एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। आकार पढ़ा अपन ने, एक रह गया था इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात हो रही है, तो देखो आयनन एंथैल्पी तो क्या थी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, वो अपन ने पढ़ा था कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। यहाँ जो ये एंथैल्पी पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है, ये क्या होती है, ये उसका जस्ट उल्टा होती है, ठीक है। यानी किसी परमाणु में, किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी आप जैसे परमाणु बनाते हैं नाभिक है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये क्लोरीन, क्लोरीन का एक परमाणु अपन देखते हैं, तो क्लोरीन में कितने होते हैं, 2, 8 और 7, ठीक है, 2, 8 और 7। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपना स्तर पूरा करने के लिए, तो क्या होगा कि ऊर्जा यहाँ से मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी तो इस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसी में एक चीज़ याद रखना है कि ये लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त सारणी में ये बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है भाई, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इसका मान, इसका मान आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा। और आप ऐसे बोल सकते हो कि छोटा आकार होगा, यानी अपन आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे उसमें, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, एक तरीके से अपन बोलते हैं कि छोटा आकार होने की वजह से प्रभावी नाभिक के आवेश ज़्यादा होगा, और इसी के कारण क्या होगा, इसका मान जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये चैप्टर जो है खत्म होने वाला है, आज की क्लास ये जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब इसी में आपको याद रखना है, मैंने त्रिज्या बताई थी आपको, त्रिज्या बताई थी परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या अपन ने पढ़ी, ठीक है, परमाणु त्रिज्या अपन ने पढ़ा, और इसका अपन ने देखा था कि एक परमाणु होता है ना, उसकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं, परमाणु आकार भी बोलते हैं, इसी को अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाभिक और बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं या परमाणु आकार कहते हैं, याद रखोगे, नोट्स में आपको लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो नाभिक और किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और ये अपन ने पढ़ा था कि ये आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, कम होती है, ठीक है,
इसमें आपको दो तीन चीजें एक नोट करके लिख लेना, दो आपकी डेफिनेशन दे रखी है, एक तो आपकी दे रखी है क्या बोलते हैं सह संयोजक धातु के क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणुओं के दो नजदीक
स्थित परमाणु, इस तरीके से लिखोगे कि धातु के क्रिस्टल में स्थित दो नजदीक परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, उसको अपन क्या कहते हैं, धात्विक कक्षा। ठीक है, फिर आप लिखोगे इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि आवर्त सारणी जो है धातुएं किधर है, अधातुएं कौन कौन सी है और उपधातुएं कौन कौन सी है, वो आपके दे रखे हैं। आवर्त सारणी में अपन जब पढ़ रहा था, ठीक है, अपन जब इसमें पढ़ रहे थे कि आवर्त सारणी जो है उसमें धात्विकाएं अधातुएं, तो अपन ने पढ़ा था कि ये एक जिगजैग लाइन पड़ी थी अपन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, उसके इधर वाली क्या थी और इसके इधर क्या थी, ठीक है, और ये जिगजैग लाइन जो मैंने बताई थी वो क्या थी, उपधातु। अब आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे ना, बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातुविक गुण बढ़ेगा, अधातुविक गुण बढ़ेगा, अधातुविक गुण का मतलब है यहाँ पे अधातुएं आ जाएंगे इधर जाने पर, और यू आने पर क्या होगा बच्चों, धात्विक गुण बढ़ेगा, क्या होगा भाई, धात्विक गुण बढ़ेगा, ये आप लोग याद रखोगे इतना, ठीक है, इतना क्लियर है, ये कंप्लीट जो है चैप्टर हो जाता है आपका इस तरीके से। और दो चार चीज़ें जो बची हुआ आपको कर लेना नोट्स में, नोट्स में मैंने दे दी आपको, याद कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। और अगला जो